23 महीने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार जी के दरबार में नतमस्तक होकर सरकार में शामिल हुए। उस दौर में तो आपको जहरीली शराब के मामले में मुआवजे की आवाज उठाने में तो आप गुरेज कर रहे थे। माननीय सुशील कुमार मोदी जी, ये सवाल आपके कोटे में दरपेश है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपकी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तब तो आपने इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया था। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सुशील कुमार मोदी से सवाल किया है। दरअसल पिछले दिनों सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जो शराबबंदी है पूरी तरीके से विफल हो गई है, साथ ही साथ जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो रही है उन्हें मुआवजा दे, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हामी भर दी। साथ ही साथ उसके बाद सुशील कुमार मोदी का ये भी कहना था कि जितने जो अपराधी है जो शराबबंदी में कैद है उन्हें भी रिहा किया जाए, क्योंकि उनमें से बहुत से जो अपराधी हैं उन पर झूठ का केस दर्ज है। उसके बाद अब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सुशील कुमार के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने सुशील कुमार मोदी से ये सवाल किया है कि क्या आप वो दिन भूल गए कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब 23 महीनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार के पास नकमस्तक हो गए थे, तब तो आप बिहार में शराबबंदी को लेकर काफी ज्यादा समर्थन करते थे, उनका सहयोग करते थे। उस समय तो आप मुआवजे की या किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं उठाते थे। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छाई है जो वो मुआवजे की बात उस समय भी किए थे, क्योंकि जो लोग शराब पीकर जिनकी मौत हो जाती है उनके परिजन, जो उनके परिवार वाले हैं, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें होती है, उनको आगे जाकर कोई मुश्किल ना हो इसके लिए वो मुआवजा देते हैं। और आज आप वही नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, क्या आप अपने दिन को भूल गए हैं सुशील कुमार मोदी जी? क्या को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सुशील कुमार मोदी के बयान पर बोल रहे हैं? हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। शराबबंदी महिलाओं के मांग पर, और ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि महिला अपराध में कमी आई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। तमाम राजनीतिक दलों का ये विहित संकल्प है और इस संकल्प के आलोक में राज्य में शराबबंदी लागू हुआ है। ऐसी स्थिति में माननीय सुशील मोदी जी, सवाल आपके कोटे में दरपेश है कि जब आप बिहार में सत्ता में थे, एनडीए जब सत्ता में थी, जब 23 महीने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार जी के दरबार में नतमस्तक होकर सरकार में शामिल हुए, उस दौर में तो आपको जहरीली शराब के मामले में मुआवजे की आवाज़ उठाने में तो आप गुरेज कर रहे थे। हाँ, नीतीश कुमार जी की यह मानवीयता है कि जब से शराबबंदी लागू हुआ है तब से इस योजना को लागू करना यह बताता है, न वोट के लिए न दूसरे कोई मकसद है। मकसद केवल यह है कि वो आर्थिक रूप से विपन्न परिवार को अगर कोई सहायता मिल जाए तो वह बेहतर होगा।